हेलो गाइस एवरीवन, सो दिस इज मी शुजान अहमद एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शुजान अहमद ऑफिशियल। सो आप लोग का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूँ इस बुक के बारे में जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। आई नो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी, बहुत सारे लोगों को सुना होगा और आपने कुछ ज़्यादा लोगों ने इस बुक को पढ़ भी लिया होगा, राइट। बट आई रेड दिस बुक कपल ऑफ मंथ्स अगो। मैंने इस बुक को कुछ दिनों पहले ही पढ़ा है और कुछ महीनों पहले पढ़ा है, ठीक है। तो मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा इस बुक से जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी है और उससे रिजल्ट आया है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिकली पहले मैंने एक चीज़ सीखी इस बुक से, एक रूल है इस बुक के अंदर जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा और उस रूल का नाम है 2 मिनट रूल, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी अच्छी हैबिट बनानी है, ठीक है, जो कोई भी हैबिट बनानी है आपको, पढ़ने की, योगा करने की, एक्सरसाइज करने की, जो भी आपको हैबिट बनानी है, हमेशा उसको स्टार्टिंग से, सिर्फ जब कभी भी आप उस हैबिट को स्टार्ट करते हो, सो आपको सिर्फ और सिर्फ उस हैबिट को 2 मिनट तक करना है, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। उससे यह होगा गाइस, जब आप अपने ब्रेन को एकदम छोटा सा गोल देते हो तो आप इजिली उसको कर लेते हो और आप उसको उसके अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हो, राइट। तो मैंने सेम चीज़ ऐसे ही करी, जब मैंने योगा करना स्टार्ट करा था तो मैंने 2 मिनट से स्टार्ट करा था और मैंने उसको मैंने उसकी ट्रैकिंग भी करी थी अपने नोट्स में, आई विल डेफिनेटली शो यू अभी वीडियो में, अभी आपको वो दिखाई देगा, ठीक है। और अब मुझे मोर देन 3 मंथ्स हो गए योगा करते करते एंड नाउ आई एम कम्प्लीटली ऑल राइट इन दिस, राइट। अब मैं योगा 10 मिनट तक कर सकता हूँ। सो आप देख सकते हो कि इसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रहा है। दूसरी चीज़ क्या मैंने इससे सीखी है इस बुक से, जो मैंने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करा है, आप भी कर सकते हो, जो कि है फॉर एग्जाम्पल आपको सीखनी है इंग्लिश, ओके, एंड मे बी यू वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच। तो जो भी लैंग्वेज आपको सीखनी है, कोई भी काम आपको सीखना है, आपको डांस सीखना है, तो मान लो कि एक दिन तो आपने 2 मिनट कर लिया, पहले आपने 2 मिनट का रूल लगाया, ठीक है, उस चीज़ को सीखने के लिए, उस काम को करने के लिए। बट दूसरे दिन कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, और आप कहीं चले जाते हैं और कुछ भी हो जाता है, राइट, कुछ भी हो जाता है। तो लाइक इफ़ यू मिस ऑन अ 1 डे इट्स ओके, बट नेवर मिस 2 आइज, राइट। कभी भी 2 बार मत छोड़ो, ठीक है। आपको आपने आज से स्टार्ट करा कि मैं जिम जाऊँगा आज से, ठीक है, आपने 2 मिनट एक्सरसाइज कर ली, बट उसके अगले दिन कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए, फीवर आ गया, कोल्ड आ गया, गेस्ट आ गए, या आप किसी के घर गेस्ट बन के चले गए, वहाँ नहीं कर पाए, तो दूसरा दिन मिस हो गया। बट एक ही चीज़ को 2 बार मिस मत करो साइमल्टेनियसली, ठीक है, वरना उससे क्या होगा, आप फिर से हैबिट को बिल्ड नहीं कर पाओगे। सो आई थिंक दीज आर द 2 वेरी पावरफुल टूल्स ऑफ मेकिंग पॉजिटिव हैबिट्स। और जब मैंने इसको कैसे करा, मैंने इसको योगा के वे में करा। फॉर एग्जाम्पल मैंने योगा करना जब स्टार्ट करा था 3 मंथ्स बैक, तो 2 मिनट मैंने एक दिन कर लिया था, दूसरे दिन आई हैड टू गो टू माई अंकल्स हाउस। अब वहाँ पर मैं सुबह नहीं कर सकता था योगा, वहाँ पे सब लोग थे पागल बोलते, ठीक है, तो मैंने वहाँ नहीं करा, लेकिन मैंने 2 बार मिस नहीं करा, तीसरे दिन आया, तीसरे दिन से फिर से करना स्टार्ट कर दिया अपने घर पे। तो ऐसे करना होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अंटिल देन टू टेक केयर सेल्फ, बाय बाय, सी यू।